हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, गुड संडे। मॉर्निंग। हम लोग सुबह सुबह आए हैं आज छत पे। बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। अब मेरे बाल भी सूख गए। आप लोग भी देख लीजिए यहाँ का नज़ारा छत का। देखिए बहुत बढ़िया से धूप हो रखी है। और अब हम लोगों का मन कर रहा है चाय पीने का, तो हम लोग नीचे जाएंगे चाय पीने। और वीडियो को आप कट मत करना, पूरा देखना। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी आपको। 22 तारीख को मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई थी रोड पर जाते हुए, तो वो भी मैं वीडियो में उसके बारे में बताऊंगी, तो प्लीज़ आप ज़रूर देखना। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नीचे चाय बनाने। तो फ्रेंड्स, अब मैं नीचे आ गई हूँ और चाय बनने लगती है। चाय खोल भी गई है। मेरा गला थोड़ा ख़राब है बिकॉज़ मैंने आइसक्रीम बहुत खा ली थी पार्टी में। क्या करूँ, मन हो गया खाने का, सब खा रहे थे तो मैंने भी खा ली। वैसे इस टाइम आइसक्रीम वगैरह उनको नहीं खाना चाहिए, ठंड बढ़ गई है काफ़ी, बट सबने खाई तो मेरा भी मन हो गया तो मैंने खा ली। बट अब मैं प्रिकॉशन ले रही हूँ और अपनी चाय में तुलसी और अदरक भी डाल दी है, इससे मेरा गला कुछ टाइम में खुल जाएगा। अदरक बहुत फ़ायदा करती है। चाय बन गई फ्रेंड्स, अब मैं इसे पीस लेती हूँ। चलिए, अदरक वाली चाय तैयार हो गई है, अब इसे पी लेती हूँ। मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? लीजिए आप भी चाय पी लीजिए। हैप्पी संडे ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने अपनी चाय बना ली है, अब मैं पीना शुरू करती हूँ। टेस्टी चाय है क्योंकि इसमें मैंने अदरक और तुलसी की पत्ती डाली है, क्योंकि मुझे जुकाम हो गया है। मैं गई थी पार्टी में, वहाँ मेरे गले में खराश हो गई, मैंने आइसक्रीम बहुत खा ली। तो फ्रेंड्स, चाय पीते पीते मैं आपको कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो कि मुझे कल ही पता चला है। और वो मिस्टेक 22 अक्टूबर को मेरे से हुई थी और पता मुझे कल चला। वो इसलिए कि मुझे पता ही नहीं चला। मैं कभी भी जाती थी स्कूटी से तो हेलमेट कम पहनती थी, तो हेलमेट लेके तो रखा हुआ था लेकिन क्या करती थी, उसे स्कूटी में आगे रख लेती थी और पहनती नहीं थी। तो 22 अक्टूबर को मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी। तो वो फ्रेंड मेरी 9th क्लास की फ्रेंड है और बहुत मुझे प्यार करती है, तो वो बहुत दिन से बुला रही थी मेरे को। तो मैंने सोचा 22 अक्टूबर को ऐसा समय हुआ कि मैं थोड़ा सा फ्री थी, तो मैंने सोचा उसके यहाँ होके आती हूँ। तो फिर मैंने वही बेवकूफ़ी की, हेलमेट को अपनी स्कूटी में आगे रख लिया और सोचा हेयर स्टाइल बढ़िया बना लिया था, सोचा हेयर स्टाइल ख़राब हो जाएगा, चलो हेलमेट रख लेती हूँ और कहीं चौराहे पर अगर कोई पुलिस वगैरह खड़ी हुई मिली हुई या किसी की चेकिंग हो रही होगी तो मैं जल्दी से लगा लूँगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं आराम से गई, चौराहा क्रॉस किया और आराम से अपने घर पर आ गई। और अपने बड़ी स्मार्ट बन रही थी, सोच रही थी कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और 22 अक्टूबर को मेरा चालान कट गया था और मुझे पता ही नहीं चला। मैं आराम से बैठी हूँ घर में, तो कल पता चला कि मेरा चालान कटा हुआ है और अब मुझे वो जाके भरना पड़ेगा। तो अब रूल चेंज हो गया है, जो कि मुझे नहीं पता था। मैं सोचती थी कोई पुलिस खड़ी हुई चौराहे पे सबको रोकेगी, मुझसे भी पूछेगी कि आपके पास हेलमेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आजकल कैमरे से आपका नंबर ले लेते हैं पीछे से और आपको पता भी नहीं चलता है और चालान आपके घर पहुंच जाता है। तो मैंने ये बात इसलिए शेयर की कि शायद आप भी सोचते हो या कोई भी सोचता हो मेरी तरह, तो प्लीज़ ना सोचिए, अपना हेलमेट बिल्कुल लगा के चले और जो भी आपकी गाड़ी के पेपर्स वगैरह सब फिट रहने चाहिए, नहीं तो मेरी तरह नुकसान हो जाएगा। और अब आगे से मैं बिल्कुल भी बिना हेलमेट के नहीं चलूँगी और हर टाइम हेलमेट लगाऊँगी, नहीं तो नुकसान हो जाता है। अब और भाग दौड़ भी कितनी हो गई, कोर्ट जाके सब कुछ करना पड़ेगा, अब कभी भी ऐसा नहीं करूँगी।
मैं सोचती थी कि मैं अपनी गाड़ी बैलेंस में चला रही हूँ और बिल्कुल सही चला रही हूँ तो मेरे को कुछ नहीं होगा, बड़ा कॉन्फिडेंस लेके चलते थे, लेकिन हेलमेट से पुलिस से बचने के लिए नहीं, आपकी सेफ्टी के लिए भी है, क्योंकि आप चाहे जितना अच्छा चला रहे हो लेकिन अगर साइड से कोई पागल अच्छा नहीं चला रहा होगा तो वो आपको टक्कर मार सकता है। तो इसलिए अब मैंने प्रॉमिस किया है, अब मैं हेलमेट के साथ ही चलूँगी और पेपर अपने सब फिट रखूँगी जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, आराम से बोल्ड होकर चलो रोड पे। अब वो किसी घटना से सबक ले लेना चाहिए और आज मुझे सबक मिल चुका है, तो अब मैं बिल्कुल ठीक से रहूँगी। और आप भी प्लीज़ हेलमेट लगा के चलना। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।